कोरोना आपदा के निवारण हेतु नरोत्तम लाल सेवा संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन धार्मिक अनुष्ठान विश्व के इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसके चतुर्थ चरण में शनिवार को आयोजित सुंदरकांड पाठ का देश विदेश के हजारों भक्तों ने ऑनलाइन एक साथ पाठ किया। वृंदावन के राधाकांत मंदिर में आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के आचार व्रत में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में आचार्य मृदुलकांत शास्त्री के आवाहन पर विश्व के लगभग 21 देशों के हजारों भक्तों ने डिजिटल वे के माध्यम से एक साथ ऑनलाइन जुड़कर अपने अपने घरों में बैठकर सुंदरकांड के 1008 से अधिक पाठ कर ठाकुर जी से कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की। बताते चलें कि इससे पहले भी आचार्य मृदुलकांत शास्त्री के द्वारा विश्व से कोरोना वायरस के विनाश के लिए मंदिर में ही एक रुद्राभिषेक महामृत्युंजय पाठ समेत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जी आचार्य जी, आज एक बार फिर से ऑनलाइन पाठ किया गया, क्या कहेंगे? महामारी बड़ी है, आपदा बड़ी है, इसलिए उपाय भी बड़े होने चाहिए। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि पूजा कैसे की जाए, प्रार्थना कैसे की जाए। लॉकडाउन पीरियड के कारण लोग अपने घरों से निकल नहीं सकते, धारा 144 लगी हुई है, ऐसे अपने अपने घरों में सब लोग कैद हैं। तो इस समय विचार ये आया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम लोग उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए ऑनलाइन वे में पूजा करें। विभिन्न स्तरों पर ये पूजा चल रही है और इसी पूजा का ये आज चौथा चरण चल रहा है, जिसमें अभी तक श्री रुद्राभिषेक हुए, श्री हनुमान चालीसा का 1,08,000 पाठ अनुष्ठान हुआ और आज उसी क्रम में विश्व के लगभग 21 देशों में 1008 घरों में भक्तों के द्वारा ये सामूहिक ऑनलाइन सुंदरकांड पाठ एक साथ एक समय पर किया जा रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है श्री हनुमान जी महाराज सुंदरकांड पाठ के द्वारा, जैसे उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने में श्री राम राघवेंद्र प्रभु की सहायता की, इस महामारी को भी नष्ट करने में प्रभु की सहायता करेंगे और उनकी कृपा से निश्चित ही विश्व इस आपदा से मुक्त होगा।